हाँ जी, तो कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आई होप आपने फर्स्ट लेक्चर जो मैंने अपलोड किया था आपने वो देखा होगा। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देखिए ये क्लास देखने से पहले, क्योंकि हम वहीं से जहाँ पे हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। और जिन बच्चों ने ये क्लास देखी उन्होंने बताया कि सर थोड़ा सा हमारे लिए ये टॉपिक जो है न्यू है, तो आप थोड़ा सा ना हमको स्लोली स्लोली इसमें आगे लेके चलिए। ठीक है, कोई बात नहीं, हम दोस्तों स्लोली स्लोली लेके चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम आते हैं, हम कहाँ पे लास्ट सेशन में थे? हम थे बेटा, हमने डिस्कस किया था, हाँ हमने बोला था कि ये क्रक्स है हमारा, पूरा बेसिक इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हमने पढ़ लिया था कि एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम एक्सीड्स मैक्सिमम अमाउंट विच इज चार्जेबल टू टैक्स। बेटा इसको ना चार्जेबल की जगह एक वर्ड मिस हो गया, विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। ठीक है, लिख लो, विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, मतलब वो अमाउंट जिस पे टैक्स नहीं लगेगा, अगर वो उसको हमारा इनकम एक्सीड करता है तो ही हमारे ऊपर टैक्स लगेगा। ठीक है, तो एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम एक्सीड्स मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स इज एन असेसी एंड शैल पे इनकम टैक्स एट द रेट और रेट्स एट द रेट और रेट्स प्रिस्क्राइब्ड इन द फाइनेंस एक्ट एज वेल एज इनकम टैक्स एक्ट इन द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। ठीक है सर, आपने बताया था इनकम टैक्स एक्ट के बारे में, ये फाइनेंस एक्ट क्या है? तो क्या ये क्या हमको पढ़ना है फाइनेंस एक्ट भी? बिल्कुल बेटा, मैं आपको समझा के चलता हूँ ये फाइनेंस एक्ट क्या है। ठीक है, मैंने आपको बताया था इनकम टैक्स एक्ट का ईयर, इनकम टैक्स एक्ट 1961, करेक्ट है? जी सर। 1961 में गवर्नमेंट जब ये लेकर आई तो उसमें कुछ सेक्शंस डाले, कुछ रेट्स डिफाइन किए, कुछ प्रोविजंस डाले। तो आपको क्या लगता है कि वो आज तक वैलिड होंगे? वो रेट्स जो उन्होंने उस टाइम पे डिफाइन किया होगा, क्या गवर्नमेंट को वो रेट्स जो है आज भी वैलिड लगते होंगे? नहीं, तो उसमें क्या है, चेंजेस लाने की जरूरत पड़ती है। कभी कभी प्रोविजन में लूप होल होता है जिसकी वजह से लोग उसका फायदा उठाते हैं। तो गवर्नमेंट क्या लाती है? गवर्नमेंट लाती है अमेंडमेंट्स। क्या लाती है? अमेंडमेंट्स, उन लूप होल्स को खत्म करने के लिए उस कुछ नए सेक्शंस इंट्रोड्यूस कर देती है, या फिर जो रेट्स जो अब नहीं लगते कि अब ये थोड़े से बहुत ओल्ड हो गए हैं, रेलिवेंट नहीं है हमको, अब एज पर द इन्फ्लेशन जो भी है उसके अकॉर्डिंगली रेट्स लाने चाहिए, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस रेट्स को चेंज करने के लिए भी अमेंडमेंट्स के थ्रू हमको बता के चलती है। तो वो अमेंडमेंट्स किस में लेकर आती है और कहाँ से लेकर आती है? तो बेटा होता क्या है ना, हर साल बजट आता है, आप लोगों ने सुना होगा बजट आता है हर साल। ये जो बजट होता है ना बहुत ब्रॉड है, इसमें बहुत सारे बजट्स होते हैं रेलवेज के, कि गवर्नमेंट रेलवेज के ऊपर कितना बजट एक्सपेंड अलोकेट कर रही है, गवर्नमेंट एजुकेशन के लिए कितना बजट अलोकेट कर रही है, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना बजट अलोकेट कर रही है। उसमें ना गवर्नमेंट एक फाइनेंस बिल भी लेकर आता है, फाइनेंस बिल भी लेके आता है, जिसमें वो ये अमेंडमेंट्स को लोकसभा में इंट्रोड्यूस करता है। और ये कौन लेके आता है बेटा? ये लेकर आते हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये लेकर आते हैं लोकसभा में, इसको इंट्रोड्यूस करता है इस फाइनेंस बिल को, जिसमें वो जो भी अमेंडमेंट्स लाना चाहते हैं डायरेक्ट टैक्स पे और इनडायरेक्ट टैक्स पे वहां पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, और बेटा ये जो बिल होता है ना, एक बार लोकसभा से पास हुआ फिर वो जाता है राज्यसभा में, राज्यसभा में दोनों हाउसेस से पास होने के बाद वो जाता है प्रेसिडेंट के पास। द वंस प्रेसिडेंट उसको एसेंट देता है ना और वो पास होता है, तो वो बन जाता है फाइनेंस एक्ट। क्या बनता है बेटा? फाइनेंस एक्ट। ठीक है, और ये रिचुअल हो गया है कि हर साल ही फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंस बिल लेकर आते हैं और उस साल के रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के लिए उसमें अमेंडमेंट सेक्शंस डिफाइन करके चलते हैं। ठीक है, तो बेटा लास्ट वाला, लास्ट अभी हमारा बजट कौन सा आया होगा? लास्ट हमारा बजट आया था 2020 में। तो उसमें बेटा कौन सा फाइनेंस बिल होगा जो फाइनेंस मिनिस्टर लेकर आए होंगे? फाइनेंस बिल 2020। ठीक है, जो प्रेसिडेंट के एसेंट के बाद क्या बन गया होगा? फाइनेंस एक्ट 2020। यहां समझ में आया ना?
ठीक है, बिल्कुल स्लोली स्लोली चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल धीरे धीरे सिंक इन करिए इसको, ठीक है। फाइनेंस एक्ट 2020 बना, जिसके अंदर अमेंडमेंट्स, जिसके अंदर अमेंडमेंट्स मेंशन थे इनकम टैक्स एक्ट के और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के भी, ठीक है। चलिए अब ये तो हो गया हमारी फाइनेंस एक्ट की बातें, अब इसमें ना कुछ शेड्यूल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप समझ में आ गया फाइनेंस एक्ट के बारे में, अब मैं बताने वाला हूँ कि ये रेट और रेट्स मैंने क्यों बोले हैं, दो अलग अलग क्यों बोले हैं, ठीक है। चलिए अब ये जो फाइनेंस एक्ट है ना, इसके अंदर पांच शेड्यूल्स होते हैं, हमारे लिए रेलिवेंट सिर्फ फर्स्ट शेड्यूल है इनकम टैक्स के लिए, ठीक है। इस शेड्यूल में रेट्स मेंशन होते हैं, बट बिफोर दैट, उससे पहले इसमें ना चार पोर्शन है, इसमें चार पार्ट है, इनफैक्ट पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री एंड पार्ट फोर, ठीक है। फाइनेंस एक्ट 2020 हमारा लेटेस्ट वाला है और इसमें फर्स्ट शेड्यूल के अंदर चार पार्ट है, ठीक है। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, वो लिख लीजिएगा, ठीक है, अगर याद भी रहे तो काफी है, कि अब जो है ना फाइनेंस पहले क्या होता था, 28 फरवरी ऑफ एवरी ईयर वो बजट लेके आते थे, अब उन्होंने ये चेंज करके ना 1 फरवरी कर दिया है। तो अभी जो 1 फरवरी आने वाला है बेटा, उसमें हमारा कौन सा बजट आने वाला है, बजट 2021, जिसमें फाइनेंस बिल कौन से लेकर आएंगे, 2021, और प्रेसिडेंट के असेंट के बाद वो क्या बन जाएगा, फाइनेंस एक्ट 2021, ठीक है। यहां तक क्लियर है, चलिए आगे दोबारा, हम फर्स्ट शेड्यूल के बारे में बात कर रहे थे, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री एंड पार्ट फोर। पार्ट वन में बेटा कुछ रेट दिए गए हैं, इन रेट को यूज करते हुए आपको अपनी टैक्स लायबिलिटी को निकालना पड़ता है, ठीक है। ये जो रेट दिए गए हैं पार्ट वन में, वो रेट दिए गए हैं करंट असेसमेंट ईयर, ठीक है सर। इस करंट असेसमेंट ईयर का मतलब बेटा देखो, करंट असेसमेंट ईयर का मतलब फाइनेंस एक्ट 2020 के हिसाब से देखें तो 2020 और 2021, दिस इज द करंट असेसमेंट ईयर। तो सर इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा, प्रीवियस ईयर क्या होना चाहिए, 2019-2020, मतलब आपने जो इनकम अर्न करी इस साल में, वो आप टैक्स कंप्यूट करते हो असेसमेंट ईयर में एज पर द रेट्स रेलेवेंट फॉर दैट असेसमेंट ईयर, ठीक है। तो पार्ट वन में इस असेसमेंट ईयर का टैक्स रेट दिया हुआ है और ये आया, ये कब आया, 1 फरवरी 2020 में। तो सर ये तो साल खत्म हो गया हमारा, हमने इनकम सारी अर्न कर ली, उसके बाद हमको रेट बताया जाता है क्या कि हमको किस पे करना है। नहीं बेटा, मैं आपको आगे बता देता हूँ क्या होता है, हमको रेट पहले पता होता है, ठीक है। वो कैसे पता होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो पार्ट टू में क्या दिया गया, मैंने आपको TDS बताया था, टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स कॉन्सेप्ट बताया था, उसके रेट्स इसमें, कुछ रेट्स इसमें मेंशन है, ठीक है, और कुछ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर मेंशन है, इसमें डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि ये आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। अब बेटा पार्ट थ्री में क्या होता है, देखो सैलरी की जो इनकम होती है ना हमारी, सैलरी इनकम, आप अगर आप सैलरी कहीं अब जॉब करते हैं तो आपको पता होगा कि आपकी हर महीने कुछ इनकम टैक्स डिडक्ट किया जाता है, कुछ इनकम टैक्स के नाम पे काटा जाता है पैसा, वो तो बताइए प्रीवियस ईयर में ही काट लिया, प्रीवियस ईयर में ही वो पैसा काट लेते हैं, तो उसके लिए रेट्स भी तो चाहिए होंगे हमको, क्योंकि रेट तो हमारे असेसमेंट ईयर के होते हैं। लेकिन आपने तो बताया ऊपर की असेसमेंट रेट्स तो हमको बिल्कुल इस साल खत्म होने के बाद मिलता है प्रीवियस ईयर के, नहीं, तो इसीलिए सैलरी के ऊपर किस रेट के हिसाब से टैक्स काटा जाएगा, मतलब अगर ये मेरा अगर 2020 प्रीवियस ईयर है, इस फाइनेंस बिल, इस फाइनेंस एक्ट के लिए मेरा ये प्रीवियस ईयर है, असेसमेंट ईयर क्या होगा, 2021-2022, ये असेसमेंट ईयर होगा। तो इस असेसमेंट ईयर के टैक्स रेट्स पार्ट थ्री में मेंशन होते हैं, समझ में आया। तो इस टैक्स रेट के हिसाब से हर महीने सैलरी इनकम के ऊपर हम टैक्स डिडक्ट करके चलते हैं, ठीक है। एंड इसमें एंड एडवांस टैक्स, ठीक है, एडवांस टैक्स। सर एडवांस टैक्स क्या होता है बेटा, हुआ क्या, देखो मैंने क्या बताया था आपको कि प्रीवियस ईयर की इनकम को हम असेस करते हैं असेसमेंट ईयर में, बट गवर्नमेंट को क्या फील हुआ कि ये एक साल का बहुत लंबा गैप है, हमको कुछ रेगुलर सोर्स ऑफ रेवेन्यू चाहिए क्योंकि हमारे कुछ रिकरिंग एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो इस चीज को रेगुलराइज कराने के लिए उन्होंने क्या बोला कि जो भी आपके प्रीवियस ईयर के इनकम है ना,
वो आप प्रीवियस ईयर में ही असेस कर लो और हमको पे कर दो, ठीक है। ये टॉपिक ऐसे मैंने आके नोट्स में कवर किया हुआ है, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। उन्होंने क्या बोला कि प्रीवियस ईयर की इनकम आप प्रीवियस ईयर में ही एस्टीमेट लगा लो कि आप कितना कमाने वाले हो, और उसके ऊपर हमको प्रीवियस ईयर में ही एस्टीमेटेड इनकम टैक्स पे कर दो, क्योंकि हमको रेवेन्यू की जरूरत है रेगुलर बेसिस के ऊपर। तो सर हमको रेट तो असेसमेंट ईयर का यूज करना होता है, तो उसके लिए तो उनको रेट देना पड़ेगा। तो वो रेट कहाँ देते हैं? वो देते हैं पार्ट थ्री में। तो जैसे ही बेटा ये जो बजट 2021 में आएगा ना, ये जो बजट 2021 में आएगा ना, उसमें ये जो पार्ट थ्री वाला जो रेट था वो शिफ्ट होके कहाँ चला जाएगा? वो शिफ्ट होके चला जाएगा पार्ट वन में, वो पार्ट वन का रेट बन जाएगा। समझ में आया? और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे न्यू रेट्स डिफाइन कर दिए जाएंगे दोबारा पार्ट थ्री के अंदर, ठीक है, जो एप्लीकेबल होगा उस प्रीवियस ईयर के लिए, ठीक है। यहां तक समझ में आया कि नहीं? ये एक बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो मैक्सिमम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को नहीं होती है, उनको नहीं पता होता कि रेट कहाँ मेंशन है और रेट कैसे डिराइव किया गया है, ठीक है। तो ये बेसिक फाउंडेशन आपको बहुत स्ट्रांग कर देगा, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग रेट्स कहाँ से आते हैं, हर साल रेट कैसे चेंज होते हैं, वो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फटाफट समराइज कर दूँ इसको, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन ना हुई हो। हर साल बजट के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस बिल लेके आते हैं, जो लोकसभा में पहले इंट्रोड्यूस होता है, फिर राज्यसभा में जाता है, फिर वो गवर्नमेंट, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है उनके एसेंट के लिए। वंस उन्होंने अपना एसेंट दिया, वो फाइनेंस एक्ट बन जाता है उस साल का, ठीक है। फाइनेंस एक्ट के अंदर शेड्यूल्स है, हमारा फर्स्ट शेड्यूल है, ठीक है, जो इनकम टैक्स के लिए होता है। इनकम टैक्स के अंदर जो शेड्यूल है वो हमारे फर्स्ट शेड्यूल के अंदर चार पार्ट दिए हुए हैं, जिसमें टैक्स दिया हुआ है करंट असेसमेंट ईयर का बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में दिया है टीडीएस का रेट, थर्ड में दिया है सैलरी एंड एडवांस टैक्स का रेट जो हमको कंप्यूट करना है फॉर द असेसमेंट ईयर जो आने वाला है, ठीक है। एंड फोर्थ पार्ट में आप छोड़ सकते हैं ये एग्रीकल्चर इनकम के लिए, कैसे आपको एग्रीकल्चर इनकम निकालनी है वो बताया गया है। बट एक चीज को नोट कर लीजिए, कहीं लिख भी लीजिए कि इनकम टैक्स कभी भी नहीं लगती एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर। कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट ही नहीं दिया है गवर्नमेंट को टू चार्ज इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, चाहे वो इनकम 100 रुपए की हो, चाहे वो 1 करोड़ की हो। गवर्नमेंट हैज नो राइट नो पावर टू चार्ज इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। तो ये हो गया, एक बार मैं आपको दिखा दूं, क्या आपको बजट दिखा दूं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। 2 मिनट लगेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए बेटा, मैं आपको यहाँ पे एक सेकेंड, मैं आपको चलिए कोई बात नहीं। हाँ ये देखिए, ये है आपका फाइनेंस बिल 2020 का, इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा में, ठीक है। इसमें हमारा मेजर क्या है, डायरेक्ट टैक्स। देखिए आप इसमें सारे अमेंडमेंट्स दिख रहे हैं आपको सारे सेक्शंस में, कुछ नए सेक्शंस भी लेकर आए हैं। आपको पॉइंट नंबर 12 दिख रहा होगा, ये पॉइंट दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें ये इंसर्ट किया गया है कुछ नए सेक्शंस और कुछ सारे पुराने के अमेंडमेंट्स हैं, फिर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। देखिए इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए भी ये लेकर आए हैं इसमें चेंजेस। फिर देखिए यहाँ पे कस्टम है इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। देन हमारा जीएसटी है, जीएसटी के सारे अमेंडमेंट्स यहाँ पे दिखे गए हमको। फिर ये सारे कुछ मिसलेनियस एक्ट के लिए हैं, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे 5 शेड्यूल, ठीक है। मैं आपको फर्स्ट शेड्यूल दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल देखिए, फर्स्ट शेड्यूल में ये आपको रेट दिए गए हैं, करेक्ट। ये आपको रेट लगाना होता है, ये करंट असेसमेंट ईयर का रेट है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए सारे रेट्स दिए गए हैं, ये हम डिस्कस करने वाले हैं अभी आगे, डोंट वरी। पार्ट टू देखिए, कुछ टीडीएस के रेट दिए गए हैं, ये आप इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है। अब देखिए आगे यहाँ पे आता है आपका पार्ट थ्री, जिसमें बताया गया है कौन से रेट एप्लीकेबल है फॉर चार्जिंग इनकम टैक्स अंडर द हेड सैलरीज एंड कंप्यूटिंग एडवांस टैक्स। देखिए सिमिलरली जैसे ऊपर दिया गया था वैसे ही नीचे दिया गया है, बट ये हमारे
करंट प्रीवियस ईयर के लिए जो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है उसके लिए रेट्स दिए गए हैं, जो नेक्स्ट बजट में पार्ट वन में चले जाएंगे और हमारा करंट असेसमेंट ईयर का रेट बन जाएगा, ठीक है। और ये हमारा पार्ट फोर है, ये पार्ट फोर कैसे हमको नेगेटिव इनकम निकाल के चलनी है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, अगर बेटा नहीं हुआ है ना तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना मेरे से क्वेरी। बट इसको ना एक बार दोबारा इतने पोर्शन को दोबारा एक बार सुन लेना, क्योंकि आई होप कि आपको पूरी क्लैरिटी इस मेरे एक्सप्लेनेशन से ही मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो मैं आपको ले चलता हूँ अपने नोट्स के ऊपर। आइए ये रहा हमारा नोट्स, अब हम बात करते हैं यहाँ पे। सर हमने समझ में आ गया रेट, ठीक है। सर रेट्स का मतलब क्या है? सर बेटा देखो रेट्स क्या है ना, ये तो हमारे हैं कुछ जनरल रेट्स जो हमने डिफाइन करे गए हैं, ठीक है। पर्सन्स के ऊपर मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था 7 कैटेगरीज ऑफ पर्सन, उन 7 पर्सन के लिए फाइनेंस एक्ट के अंदर जनरल रेट स्पेसिफाइड है। बट कुछ ना उन्होंने स्पेसिफिक सेक्शंस भी इंसर्ट कर दिए हैं टू टारगेट सम स्पेसिफिक इनकम्स। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। एक ना एक सेक्शन है वो क्या बोलता है कि अगर कोई भी लॉटरी इनकम अगर किसी को होती है, कौन सी बेटा, अगर आप कोई लॉटरी में इनकम जीतते हो ना तो आपको ये जो रेट्स हमने फाइनेंस एक्ट में दिया है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। आपको डायरेक्टली फ्लैट 30% टैक्स पे करना ही करना है आपको, ठीक है। तो कुछ स्पेसिफिक इनकम्स को टारगेट करने के लिए उन्होंने कुछ स्पेसिफिक रेट्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे रेट्स डिफाइन किया गया, और वो रेट्स कहाँ डिफाइन है, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ही। इसीलिए आप यहाँ देखेंगे मैंने क्या लिखा है, रेट और रेट्स प्रिस्क्राइब्ड इन द फाइनेंस एक्ट एंड इनकम टैक्स एक्ट। समझ में आ गया बेटा इस लाइन का मतलब, ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब हम कवर करने वाले हैं जो फाइनेंस एक्ट के अंदर जो रेट्स डिफाइंड है, जिसको हम मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स भी बोलते हैं, ठीक है। आइएगा बेटा आगे नोट्स में, नोट्स में मैं आपको लेके चलता हूं, यस ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा नोट भी जूमिंग कर देता हूँ, क्योंकि बच्चे ये भी बोल रहे थे कि सर थोड़ा सा नोट विजिबल नहीं है आपके लेक्चर में, ठीक है। आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ पे अब, ठीक है। सर असेसमेंट ईयर 2021 क्या क्या मतलब है, प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया, 2020-21 राइट। तो ये कौन से बजट में आया होगा, लेटेस्ट बजट कौन सा है बेटा, हम लेटेस्ट बजट ही पढ़ रहे हैं 2020, जिसमें रेट दिए गए होते हैं प्रीवियस ईयर 2020-2021 का एंड असेसमेंट ईयर 2021-22 का, ठीक है। तो हम लेटेस्ट वाला बजट पढ़ रहे हैं क्योंकि आपका एग्जाम जून 2021 में है, तो आपके लिए ये लेटेस्ट वाला बजट ही एप्लीकेबल होगा, क्योंकि जो अब बजट 2021 आने वाला है ना वो एप्लीकेबल 1 अप्रैल से होगा, और कोई भी एग्जाम जो अमेंडमेंट या एक्ट विद इन 6 मंथ में फॉल करता है वो नहीं टेस्ट करते, ठीक है। तो ये क्योंकि एक्ट आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो आपका जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चन डिफाइंड होंगे वो इस बजट के ऊपर, इस असेसमेंट ईयर के रेट्स के ऊपर होंगे, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं रेट क्या। तो बेटा पहले मैं दोबारा बता दूं, पर्संस हमने 7 कैटेगरी में डिफाइन किए थे, वो 7 कैटेगरी कौन से थे, पहला इंडिविजुअल, HUF, दूसरा, तीसरा फर्म, चौथा कंपनी, पांचवा AOP एंड BOI, छठा इस लोकल अथॉरिटी, सातवा इस आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन नॉट कवर्ड अबव, ठीक है। अब उनके लिए हम टैक्स रेट्स देखेंगे इन 7 पर्सन के लिए, ठीक है। नाउ फर्स्ट वन इज इनकम टैक्स, हमारा रेट फिक्स होता है एनुअल फाइनेंस एक्ट में, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया क्लियरली, ठीक है। देखिए अब इसमें पहला पर्सन इंडिविजुअल, दूसरा HUF, तीसरा AOP BOI और चौथा आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इन चारों के लिए ये वाला रेट एप्लीकेबल होने वाला है। बट जो इंडिविजुअल है ना, इंडिविजुअल हुज एज इज लेस देन 60 ईयर्स, क्या बोला मैंने दोबारा बोलेंगे, जो भी इंसान जिसकी उम्र 60 साल से कम है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर जिसकी उम्र लेस देन 60 ईयर है उसके लिए ये टैक्स रेट एप्लीकेबल है। HUF हमेशा उसके लिए यही रेट एप्लीकेबल रहेगा, AOP BOI के लिए यही रेट एप्लीकेबल है, और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के लिए भी यही रेट एप्लीकेबल है, ठीक है।
इसमें नेक्स्ट स्लैब देखेंगे आपको, जो स्लैब दिख रहा है ये है सीनियर सिटीजन, मतलब जिसकी एज 60 इयर्स या और 60 इयर्स से ज्यादा है। कहां पे? इन एट, ये लाइन जरूर लिख लेना बेटा एक बार ना, कहीं यहां पे मिस हो गया है, आप लिख लो आप, एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, ठीक है, 60 साल का है या 60 साल से ज्यादा का है उसके लिए ये रेट एप्लीकेबल होगा। सिर्फ इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, वो भी रेजिडेंट, ठीक है, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट मैं आपको आगे समझा के चलूंगा, ठीक है। यहां पे इंडिविजुअल चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो उसके लिए यही लग के चलेगा, बट जो रेजिडेंट है और सीनियर सिटीजन है उसके लिए ये रेट एप्लीकेबल है, और जो रेजिडेंट है, जो रेजिडेंट है एंड वो सुपर सीनियर है, सुपर सीनियर का क्या मतलब बेटा, जिसकी एज 80 इयर्स और ग्रेटर देन 80 इयर्स है एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, उसके लिए ये रेट्स एप्लीकेबल होंगे जो यहां पे आपको दिख रहा होगा, ये वाले रेट्स, ठीक है। आइए समझते हैं रेट्स को, कैसे रेट्स अब एप्लीकेबल होंगे। देखिए, तो अब कोई भी इंडिविजुअल जिसकी उम्र 60 साल से कम है उसके ऊपर ये और HUF AOP BOI अटेंडेंट ज्यूडिकल पर्सन, अगर 2.5 लाख तक की इनकम है उसके ऊपर नील टैक्स रेट, ठीक है, 2.5 लाख का टोटल इनकम, ठीक है, क्या बोला मैंने, टोटल इनकम, टोटल इनकम को मैंने अभी स्किप करा हुआ है, मैं आके समझाऊंगा इसके आगे। टोटल इनकम जिसकी 2.5 लाख से कम है उसको टैक्स नहीं भरना, नील, लेकिन जिसकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख तक है, ठीक है, उसको 5% के हिसाब से टैक्स रेट पे करके चलना है। तो बेटा 2.5 लाख से 5 लाख कितना हो गया, 2.5 लाख इनकम, तो 2.5 लाख के ऊपर 5% कितना हो गया, 12,500, ठीक है। सो बोलते हैं स्लैब सिस्टम, ठीक है, अगर आपकी इनकम 5 लाख है तो पहला 2.5 लाख रुपए 0, नेक्स्ट 2.5 लाख रुपए पे 5%, क्लियर है, स्लैब सिस्टम बोलते हैं इसको। अब जो अगला आपका जो 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम होगी उसके ऊपर 20%, ठीक है, बच्चे गलती करते हैं, 10% सोचते हैं, 5 के बाद डायरेक्ट 20% है, समझ गए। तो नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर आपका हो जाएगा एट द रेट 20%, तो कितना हो गया बेटा, ये हो गया 1 लाख रुपए, ठीक है। और अगर 10 लाख के ऊपर जा रहे हैं तो 30% का टैक्स। अब आपको एक आपको एग्जांपल देके एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको क्लैरिटी आए, ठीक है। लेट्स सपोज एक है मिस्टर ए, ठीक है, जिनकी टोटल इनकम, ठीक है, प्रीवियस ईयर 2020-2021 में है लगाइए 11 लाख रुपए। इसके ऊपर आप इनकम टैक्स निकाले कैसे निकलेगा, देखिए पहला, देखिए फर्स्ट 2,50,000 कितना हो गया, नील, ठीक है। सेकंड देन 2.5 लाख से 5 लाख तक कितना होता है, 2.5 लाख रुपए, उसके ऊपर एट द रेट 5%, जो कि आ गया 12,500। थर्ड कौन सा स्लैब है, 5 लाख से 10 लाख, मतलब 5 लाख है ना, नेट 5 लाख हुआ, उस पर कितना सीधा 20%, मतलब कितना हो गया 1 लाख रुपए। और अबव 10 लाख जितना भी है उस पर 30%, अबव 10 लाख कितना है बेटा, 1 लाख रुपए, 1 लाख के ऊपर कितना हो जाएगा 30%, जो कि हो गया 30,000 रुपए, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो 1,30,000, 142,500, आई होप ये सही है अमाउंट, ये आपका इनकम टैक्स का अमाउंट है, ठीक है, 1,42,000।
आई होप आपको समझ में आ गया हो कि स्लैब सिस्टम वर्क कैसे करता है, ठीक है। चलिए तो अब सिमिलरली मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ। हाँ चलिए, अब जिस इंसान की, जिस इंडिविजुअल जो रेजिडेंट है इंडिया के अंदर, अगर उसकी एज 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, उसके लिए ये टैक्स स्लैब लगेगा। पहले 3 लाख पे जीरो, फिर जो 3 लाख से 5 लाख तक की इनकम है, मतलब 2 लाख रुपए, उसके ऊपर 5%, फिर 5 लाख से जो 10 लाख है उसके ऊपर 20%, और फिर जो 10 लाख से ज्यादा जितनी भी इनकम है उस पर 30%। क्लियर? सीनियर सिटीजन 60 साल और 60 साल से ज्यादा, और जो सुपर सीनियर सिटीजन है उनके लिए क्या स्लैब रेट है, पहले 5 लाख पे निल टैक्स, फिर नेक्स्ट 5 लाख से 10 लाख के ऊपर सीधा 20% का रेट शुरू हो जाएगा, कोई 5% नहीं है यहाँ पे, ठीक है, सॉरी। एंड जो 10 लाख से ऊपर की जो इनकम जितनी भी होगी उसके ऊपर 30% का टैक्स रेट एप्लीकेबल है। किसके लिए है ये रेट? रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन, ठीक है, ये समझ में आया। अब मैं आपको ना एक ट्रिक क्वेश्चन देता हूं। अब मान लो एक मिस्टर ए है, आप मेरे को सिर्फ इसका ना एज निकाल के दिखाइएगा कि इसकी एज कितनी आ रही है, ठीक है, आपके हिसाब से। मिस्टर ए जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 1 अप्रैल, लेट्स सपोज 1960, ठीक है। अब मुझे बताइए ये आप इसके ये कि कौन सा आप इसके ऊपर कौन सा स्लैब रेट लगाएंगे, नॉर्मल इंडिविजुअल का या सीनियर सिटीजन का या सुपर सीनियर सिटीजन का, सोचिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ, इसमें ना इनकम टैक्स का क्लैरिफिकेशन आया था, उन्होंने बोला था कि जिस इंसान का बर्थडे 1 अप्रैल 1960 को होता है ना, वो बर्थडे कब मनाता है, वो बर्थडे मनाता है 31 मार्च के रात को 12 बजे, ठीक है, मतलब उसका जो उम्र पूरा हो गया वो 31 मार्च को हो गया पूरा, ठीक है, और ये 31 मार्च आपका प्रीवियस ईयर में फॉल करेगा। कौन से प्रीवियस ईयर में फॉल करेगा, हमारे लिए रेलेवेंट ईयर कौन सा है, हमारे लिए जो प्रीवियस ईयर है वो 2020-2021, ठीक है। तो इसकी एज हमारे हिसाब से अगर हम देखें तो 31 मार्च 2021 में इसकी एज कितनी हो जाएगी बताइए, 40 साल यहाँ, ठीक है, 21 साल यहाँ, तो टोटल इसकी एज हो जाएगी 61, ठीक है बेटा, इसकी एज हो जाएगी 61। आई होप मेरी कैलकुलेशन ठीक हो, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, कि मतलब जिस इंसान का बर्थडे 1 अप्रैल को होगा उसके लिए जो साल पूरा हो जाएगा वो 31 मार्च में हो जाएगा, और मैंने क्या बोला, जिसकी एज एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर इज 60 और मोर देन 60, उसके लिए हमको हायर स्लैब का बेनिफिट मिल जाएगा। तो अगर इस इंसान की उम्र, ठीक है, 31 मार्च, लेट्स सपोज इसकी उम्र होती है 1 अप्रैल 61, ठीक है, तो ये 60 साल का हुआ, ये 60 साल का हुआ हमारे प्रीवियस ईयर के लास्ट डे पे, तो इसको क्या 2.5 लाख वाला स्लैब मिलेगा कि 3 लाख वाला स्लैब मिलेगा? सर 3 लाख वाला मिलेगा, क्योंकि हमारा एक्ट बोलता है एट एनी टाइम में अगर आपका 60 साल आपने अटेन कर लिया तो आपको स्लैब का बेनिफिट मिल जाएगा। तो इसको कौन सा स्लैब मिलेगा, 3 लाख वाला, इसको हायर स्लैब मिलेगा, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा हमेशा, ठीक है। तो यहां तो हमने समझ लिया, हमने कवर कर लिया कितने लोगों का रेट कवर कर लिया हमने, यहाँ पे हमने कवर कर लिया इंडिविजुअल, HUF, AOP BOI, एंड फोर्थ वन इज हमारा आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, ठीक है। मैं आपको ये आगे बताऊंगा। अब फॉर्म का रेट देखते हैं, फॉर्म के लिए क्या रेट है बेटा, फॉर्म के लिए स्ट्रेट फ्लैट 30% टैक्स रेट है। अगर आपकी इनकम 100 रुपए भी है ना, अगर फॉर्म की इनकम 100 रुपए भी अगर आप निकाल देते हो तो उसके ऊपर उसको 30% का टैक्स रेट पे करके 30 रुपए गवर्नमेंट को देना ही देना है, इसमें उनको कोई भी स्लैब का बेनिफिट नहीं है, ठीक है। फिर मैं आपको दिखाता हूँ, नेक्स्ट है हमारा,
ठीक है, पांच कवर हो गए। फिर आता है कंपनी, ठीक है, कंपनी कैन इधर भी डोमेस्टिक और नॉन डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनी, ठीक है। तो अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है उसके असेसमेंट ईयर के लिए जो रेट डिफाइन किया गया है ना, वो दो रेट दिए गए हैं, ठीक है। पहला, अगर कोई भी कंपनी जिसका टर्नओवर 18-19 के प्रीवियस ईयर में, तब ये याद करना बेटा ध्यान से, प्रीवियस ईयर 18-19 में जिसका टर्नओवर 400 करोड़ एक्सीड नहीं कर रहा है, उसके लिए इस असेसमेंट ईयर में, मतलब प्रीवियस ईयर 2020-2021, ठीक है, इस प्रीवियस ईयर में उसके लिए टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा वो 25% होगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर कौन सा है? 18-19 है, ये याद रखना। 18-19 में टर्नओवर लेस देन 400 करोड़, टैक्स रेट 25%। डोमेस्टिक कंपनी अगर उसको छोड़ के अगर ज्यादा टर्नओवर है तो 30% का टैक्स रेट लगेगा, ठीक है। और अगर फॉरेन कंपनी है, फ्लैट 40% का टैक्स रेट है, फ्लैट 40% का टैक्स रेट। एंड द सेवंथ वन इज लोकल अथॉरिटी, इसके ऊपर जो भी इनकम अर्न करती है वैसे तो मेजरली एग्जेम्प्टेड होती है, बट अगर कोई भी इनकम टैक्सेबल निकलती है तो उसके ऊपर फ्लैट 30% का रेट लगेगा। बेटा ये तो हो गए इनकम टैक्स के रेट, बट गवर्नमेंट ना अभी भी नहीं मानी, गवर्नमेंट को चाहिए था और रेवेन्यू, गवर्नमेंट ने डिफाइन कर दिया सरचार्ज, ठीक है। सरचार्ज से क्या होता है ना, जो ज्यादा इनकम कमाता है गवर्नमेंट बोलती है कि हमें उनसे ज्यादा टैक्स चाहिए। मैंने आपको बताया था प्रोग्रेसिव इन नेचर, हायर इनकम हायर टैक्स, वो यहाँ पे एंश्योर हो गया। आप देख पा रहे हो, आप देखो यहाँ पे कि जैसे 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 इनकम का इनकम बढ़ रही थी वैसे वैसे टैक्स रेट बढ़ रहा था, 5 से 20 हुआ, 20 से 30 हुआ, और अगर एक लेवल के बाद और इंक्रीज होती है तो उस पर हम सरचार्ज लगाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ सरचार्ज का रेट। देखिए ये सरचार्ज इंडिविजुअल्स के ऊपर है, अगर ये जो सरचार्ज, अगर आपकी इनकम, अगर आप इंडिविजुअल हो, HUF हो, AOP, BOI हो या फिर आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन हो, आपकी अगर इनकम 50 लाख तक होती है तो आपको क्या रेट लगेगा? टैक्स रेट लगेगा 30%, टैक्स रेट, ठीक है। लेकिन अगर 50 लाख से 1 करोड़ में अगर आप पहुंच जाते हो तो इनकम टैक्स के ऊपर, इनकम टैक्स के ऊपर आपको 10% सरचार्ज लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे आप बिल्कुल हाईलाइट कर लो इसको, ये ऑन द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स के ऊपर, कभी भी इनकम के ऊपर मत लगा देना बेटा। देखो इसको नोट कर लो, इनकम आई, इनकम के ऊपर हमने लगाया टैक्स का रेट, यहाँ पे जो अमाउंट निकला इसके ऊपर लगाएंगे सरचार्ज, सरचार्ज ऑन दिस अमाउंट, ठीक है, नॉट ऑन इनकम अमाउंट। MCQ बन सकते हैं कि सरचार्ज इनकम के ऊपर लगता है कि इनकम टैक्स के ऊपर लगता है, ठीक है, इनकम टैक्स के ऊपर लगता है। और अगर आपकी इनकम 1 करोड़ और 2 करोड़ के बीच में फॉल करती है तो 15% का सरचार्ज लग जाएगा। 2 करोड़ से 5 करोड़ में अगर आपकी इनकम, टोटल इनकम फॉल करती है तो 25% का टैक्स लग जाएगा। वही अगर आपका इनकम 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में फॉल करती है तो 37% का टैक्स लग जाएगा, और अगर इससे ज्यादा भी होती है तो भी 37% का ही टैक्स रहेगा, सरचार्ज रहेगा, ठीक है। तो टैक्स रेट निकाला आपने वो स्लैब रेट से जो मैंने आपको डिफाइन किया था, ठीक है, मैक्सिमम 30% है वहां पे। और अगर आप इनमें से किसी भी एक क्लॉज में फॉल करते हो, इनकम में फॉल करते हो, तो आप अब इस टैक्स को इंक्रीज कर दो इस परसेंटेज से, ये याद करना बेटा रेट, सरचार्ज के रेट, ठीक है। गवर्नमेंट अभी भी नहीं मानी तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सेस कलेक्ट करना शुरू कर दिया। सर सेस क्या होता है? टैक्स तो समझ में आता है, सेस क्या होता है? बेटा सेस क्या होता है ना, सेस क्या होता है, हम गवर्नमेंट एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर कोई फंड जनरेट करना चाहती है, कलेक्ट करना चाहती है, तो वो उस पर्पस के साथ उस सेस का नाम दे देती है कि हम इस अमाउंट का जो भी हमको रिसीव होगा इस सेस के नाम पे, हम सिर्फ इसी पर्पस के लिए लगाएंगे। तो गवर्नमेंट जो अभी करेंटली जो सेस एप्लीकेबल करती है वो बोलती है हम हेल्थ एंड एजुकेशन के ऊपर पैसा लगाना चाहते हैं इंडिया में, ठीक है, उसके लिए वो सेस कलेक्ट कर रही है। मतलब जो भी पैसा उनको रिसीव होगा टैक्स पेयर से इस सेस के नाम पे, वो सिर्फ हेल्थ एंड एजुकेशन के ऊपर ही लगा के चलेंगी, ठीक है। तो बेटा करेंटली 4% का सेस का रेट चल रहा है सबके ऊपर, सारे सातों के 7% के ऊपर 4% का सेस चल रहा है, ठीक है। तो इनकम का टैक्स रेट कैन वेरी, सरचार्ज कैन वेरी एज पर द आपके लेवल ऑफ इनकम, बट सेस विल रिमेन सेस सेम एट 4% ऑन विच अमाउंट, ऑन टोटल अमाउंट ऑफ
दिस, मतलब दिस विल बी ऑन इनकम टैक्स का अमाउंट प्लस सरचार्ज का अमाउंट के ऊपर निकालना है 4%, नॉट ऑन इनकम, रिमेंबर दिस। ठीक है, तो मैंने आपको सरचार्ज बता दिया किसका, इंडिविजुअल का, HUF, AOP, BOI एंड आर्टिफिकल जुरिडिकल पर्सन का। ठीक है, हम आगे देख के चलते हैं बाकी पर्सन के ऊपर क्या सरचार्ज लगाया है गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो अगर आप फॉर्म अगर आप फॉर्म हो और आप फॉर्म की इनकम 1 करोड़ से एक्सीड कर जाती है तो 12% का आप सरचार्ज लगा दो ऑन इनकम टैक्स के ऊपर, जो फर्दर इंक्रीज हो जाएगा। सेस लगाना है फ्लैट 4% का, मैंने बताया 4% इज सबके लिए सेम, सरचार्ज कैन वेरी। ठीक है, तो फॉर्म के लिए 1 करोड़ से ऊपर की इनकम 12% का सरचार्ज। कंपनी पे आते हैं। ठीक है, कंपनी में आप देखिए, अगर तो कंपनी का जो रेट, अगर जो कंपनी की जो इनकम है, टोटल इनकम, वो अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में फॉल करती है तो सरचार्ज लगाना है 7% का ऑन इनकम टैक्स, और अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तो लगाना है 12% का सरचार्ज। ठीक है, ऑन इनकम टैक्स अगर एक्सीड करती है 10 करोड़। ठीक है, फिर इस सरचार्ज के ऊपर और इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज के ऊपर 4% का सेस लगा देना है। ठीक है, सिमिलरली अगर फॉरेन कंपनी हो आप और आपका इनकम 1 करोड़ और 10 करोड़ के बीच में है तो 2% से सरचार्ज आपको लगाना है इनकम टैक्स के ऊपर, और अगर 10 करोड़ से ऊपर हो अगर आपकी टोटल इनकम तो आपको 5% का सेस लगाना है, जो फर्दर इंक्रीज हो जाएगा 4% के सेस के सेस से। ठीक है, सेम लोकल अथॉरिटी के लिए 12% का सरचार्ज है 1 करोड़ से ऊपर वाला, मतलब फॉर्म के लिए जो सरचार्ज का रेट था वही सरचार्ज का रेट लोकल अथॉरिटी के लिए है। तो बेटा आई होप आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो और आपको समझ में आ रहा है। मैं आपको दोबारा एक बार समरी दे देता हूँ। ठीक है, हाँ, मैंने आपको पर्सन की डेफिनेशन समझाई थी, 7 कैटेगरी ऑफ पर्सन बताए थे मैंने आपको, 7 कैटेगरीज ऑफ पर्सन, उनके लिए गवर्नमेंट ने रेट्स दिए हैं, बेसिक इनकम टैक्स रेट्स बोलते हैं जिसको। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला कि हम सरचार्ज लगाएंगे ऑन इनकम टैक्स जिनका रेवेन्यू, जिनका टोटल इनकम 1 लेवल से ज़्यादा होगा। ठीक है, फिर जो इनकम टैक्स का अमाउंट आएगा प्लस जो सरचार्ज का अमाउंट होगा, इन दोनों अमाउंट को ऐड करके इसके ऊपर 4% का हमको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस चाहिए, जो हम सिर्फ हेल्थ एंड एजुकेशन के ऊपर ही लगाएंगे। ठीक है, मैंने आपको स्लैब रेट समझाया था जो कि एप्लीकेबल था 4% के लिए, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI एंड आर्टिफिकल जुडिकल पर्सन नॉट कवर्ड इन एनी ऑफ द अबव 6 कैटेगरीज। देन मैंने आपको फर्म का रेट बताया था। ठीक है, फर्म का रेट क्या था, फ्लैट 30%, कोई भी बेसिक एजम्पशन नहीं था उनके पास। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कंपनी का रेट, कंपनी में कैन बी डोमेस्टिक और कैन बी फॉरेन। डोमेस्टिक कंपनी के लिए क्या रेट था, अगर आपकी टर्नओवर 18-19 के प्रीवियस ईयर में 400 करोड़ का अगर क्रॉस कर रहा है, 400 करोड़ 18-19 के प्रीवियस ईयर में क्रॉस कर रहा है, तो आपको इस प्रीवियस ईयर में 2022-2021 का जो प्रीवियस ईयर है उसका जो असेसमेंट ईयर 21-22 है, उसमें आपका जो रेट टैक्स का रेट है वो 25% है, और अगर आपका टर्नओवर 400 से क्रॉस कर गया है 18-19 में, तो आपके लिए जो है 30% का रेट है। ठीक है बेटा, आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे कि सर यहाँ पे 18-19 ही क्यों बोला उन्होंने, ये तो 19-20 भी बोल सकते थे कि प्रीवियस इमीडिएटली प्रीवियस के प्रीवियस ईयर में जो भी टर्नओवर होगा। बेटा अगर वो यहाँ पे 19-20 बोल देते ना, आप समझो बात को, देखो अगर वो 19-20 बोल देते, हमारा बजट 2020 जो कि रेलेवेंट था 2020-2021 प्रीवियस ईयर के लिए, वो कब आया था, फर्स्ट फरवरी 2020, जो कि फॉल कर जाता इसमें, और लोगों के पास अभी 2 महीने होते, पूरा फरवरी का मंथ होता, मार्च का मंथ होता, वो रिड्यूस टैक्स का बेनिफिट लेने के लिए अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर देते हैं, समझ रहे हो, वो अपने रेवेन्यू टोटल टर्नओवर को डेफर कर देते हैं नेक्स्ट ईयर में। तो इस टैक्स प्लानिंग को, इस टैक्स अवॉइडेंस को हटाने के लिए, अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट एक ट्रिक खेल गई, जिन्होंने उसमें 18-19 बोल दिया, क्योंकि 18-19 तक तो फ्रीज हो चुका होगा आपका अकाउंट्स, आप तो उसको छेड़ नहीं पाओगे, इसलिए गवर्नमेंट ने 18-19 बोला।
आई होप ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखना और एग्जाम में कंफ्यूज मत होना कि 1920 था कि 1819 था, ठीक है। मैं आपको लॉजिक दे के चल रहा हूँ इसके पीछे, ठीक है। उसके बाद हमने फिर देखा फॉरेन कंपनी के लिए रेट देखा और हमने उसके बाद देखा लोकल अथॉरिटी के लिए रेट। सो 7% के लिए हमने बेसिक इनकम टैक्स के रेट्स देखे, हमने सरचार्ज का रेट देखा और हमने सेस तो देखा जो सबके लिए ही 4% था। ये हमारा टैक्स कवर होता है, यहाँ पे रेट्स कवर होते हैं। आई होप बेटा आपको समझ में आ रहा है, मैं बहुत स्लोली चल रहा हूँ, बट अगर कोई भी कंफ्यूजन आपको लगे ना आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछना, ठीक है। मैं दोबारा आपको अपने उसी करक्स पे लेके चलता हूँ, ठीक है। आइए पढ़ते हैं दोबारा इसको। एवरी पर्सन, पर्सन हम समझ चुके हैं, हूज टोटल इनकम, ये पेंडिंग है, ठीक है। मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ ताकि हमको समझ में आ जाए। ये तो रहना चाहिए, ये तो रहना चाहिए, विच इज नॉट, ठीक है। एवरी पर्सन, पर्सन हम समझ गए, हूज टोटल इनकम एक्सीड्स मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। जो भी मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया सब कुछ वो ये था, मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स फॉर ऑल द 7 कैटेगरीज ऑफ पर्संस डिफाइंड इन इनकम टैक्स इज एन असेसी। मैंने असेसी बताया था ना आपको, कल समझाया था लास्ट लेक्चर में आपको डेफिनेशन में, शैल पे इनकम टैक्स एट रेट मेंशन इन फाइनेंस एक्ट एंड रेट्स मेंशन इन इनकम टैक्स एक्ट। तो बेटा हम सिर्फ ना फाइनेंस एक्ट के रेट कवर कर रहे हैं क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट के ना बहुत स्पेसिफिक रेट्स हैं और वो बहुत थोड़ा सा डीप हो जाएगा और वो आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। वो आपके लिए क्योंकि आपका अकाउंटेंसी का पूरा पेपर ही ना 30 मार्क्स का है, उसमें से डायरेक्ट टैक्स इज वन ऑफ द टॉपिक आउट ऑफ 19 or 20 आई गेस। तो वो हार्डली इस टॉपिक के ऊपर ना 3 या 4 क्वेश्चन मैक्सिमम दे सकते हैं, तो वो इतना डीप नहीं जाएंगे, वो आपके लिए ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि वो आपसे ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग आपकी चेक करना चाहेंगे, ठीक है। तो हम इनकम टैक्स एक्ट के जो स्पेसिफिक रेट्स है ना वो नहीं पढ़ेंगे, वो रेलिवेंट भी नहीं है आपके लिए, टेंशन मत लो उसके लिए बिल्कुल भी, ठीक है। इन द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, हम असेसमेंट ईयर भी पढ़ चुके हैं, तो हमारा ये वाला पैराग्राफ ऑलमोस्ट कवर हो गया। हमको सिर्फ टोटल इनकम समझा दो सर, हमको ये पूरा पैराग्राफ समझ में आ जाएगा क्लियरली कि आप क्या बोलना चाहते थे इसमें, ठीक है बेटा। टोटल इनकम समझते हैं, बट टोटल इनकम समझाने से पहले ना मैं आपको समझाना चाहूंगा कि इनकम टैक्स एक्ट का लेआउट कैसा है। सर लेआउट मतलब बेटा कि वो इनकम टैक्स में उन्होंने किस तरीके से पैटर्न डिफाइन किया है आपके इनकम को टैक्स करने का, ठीक है। मैं आपको ले चलता हूं, आप आइएगा नोट्स में पेज नंबर 6 पे आइएगा, हेड्स ऑफ इनकम यहां पे दिख रहा है आपको, ठीक है। सो थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, आइएगा बेटा लोग हेड्स ऑफ इनकम देखते हैं, ठीक है। हेड्स ऑफ इनकम क्या होता है, इनकम टैक्स ने ना आपके इनकम को डिफाइन कर दिया कि आपकी इनकम, कोई भी इनकम आप कमा रहे हो वो इन 5 हेड के अंदर ही फॉल करेगा हमेशा हमेशा, ठीक है। आपकी सारी इनकम आपको क्लासिफाई करनी है इन 5 हेड्स के अंदर, और बेटा ये 5 हेड्स है ना इसके अंदर बहुत डिटेल्ड सेक्शंस हैं, हर एक हेड को कैसे टैक्स किया जाएगा, हर एक हेड के अंदर कौन कौन सी आपको एग्जेम्पशंस दी गई है, डिडक्शंस दी गई है। मैं आपको एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस के बीच में डिफरेंस बता दूंगा, आपको कंफ्यूजन ना हो रहा हो कि सर एग्जेम्पशन क्या होता है डिडक्शन क्या होता है। देखिए इनकम टैक्स के अंदर एक वर्ड होता है एग्जेम्पशन, एक वर्ड होता है डिडक्शन, ठीक है। एग्जेम्पशन वो होता है जिसको हम अपने टोटल इनकम में ऐड ही नहीं करते, ठीक है, हम इसको ऐड ही नहीं करते, हम बोलते हैं तो एग्जेम्प्ट है, हम इसको ऐड नहीं करेंगे टोटल इनकम के अंदर, ठीक है। तो टोटल इनकम के अंदर आपका पहले तो क्या होगा, 5 हेड्स होंगे, मैंने आपको बताया, क्योंकि आपकी इनकम इन 5 हेड्स के अलावा कहीं फॉल करेगी नहीं, ठीक है। हर हेड के अंदर आपको जो डिडक्शंस दी गई है ना, जो एग्जेम्प्शंस दी गई है,
वो उसको आप टोटल इनकम में कैसे ऐड करोगे, कंसिडर करोगे जीरो। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, LIC के बारे में आप जानते होंगे, LIC आप हर साल उसकी इंस्टॉलमेंट्स पे करते हो, ठीक है, और फिर वो मैच्योर होता है, मैच्योरिटी पे आपको अमाउंट मिलता है। ठीक है, तो एक सेक्शन है 10-10D, ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है सेक्शन का नाम, सेक्शन 10-10D बोलता है कि जो भी आपको LIC का अमाउंट रिसीव होता है मैच्योरिटी के टाइम पे, वो आपके लिए एग्जेम्प्ट है। क्या है? एग्जेम्प्ट है। तो आपके लिए वो टोटल इनकम के लिए जब आप उसको ऐड करोगे तो क्या ऐड करोगे, जो मैच्योरिटी रिसीव हुआ वो या जीरो? बेटा जीरो ऐड करना है। ठीक है, एक होता है डिडक्शन। ठीक है, डिडक्शन में क्या होता है, आप इनकम को पहले टोटल इनकम में ऐड कर लो। ठीक है, डिडक्शन का मतलब क्या होता है, आप टोटल इनकम के अंदर वो इनकम जो भी आपने अर्न करी है वो ऐड कर लो, उसके बाद जाओ और वो डिडक्शंस जो भी एलिजिबल डिडक्शंस हैं, क्या है, एलिजिबल डिडक्शंस हैं, ठीक है, एलिजिबल डिडक्शंस हैं वो टोटल इनकम में से माइनस कर लो, जो बैलेंस बच गया उसके ऊपर टैक्स पे करो। क्लियर है सर? हाँ सर क्लियर है। तो जो भी आपका एलिजिबल डिडक्शंस हो गए उसको टोटल इनकम में से माइनस करो और फिर जो आपका नेट टोटल इनकम निकला उस पर आप टैक्स पे करके चलो। ये डिफरेंस होता है एग्जेम्पशन और डिडक्शन का। डिडक्शंस बोले तो गवर्नमेंट ने कुछ आपके लिए एलिजिबल इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर करे हैं, कुछ खर्चे डिक्लेयर करे हैं, वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा, मैंने कवर किया है। अगर आप वो इन्वेस्टमेंट करते हो, वो आप एक्सपेंडिचर करते हो, तो गवर्नमेंट बोलती है वो आप अपने इनकम में से माइनस कर लो, ठीक है, और जो बैलेंस अमाउंट बचे उसके ऊपर टैक्स पे करो, और टैक्स कौन सा रेट, वो जो मैंने आपको ऊपर भी एक्सप्लेन किया उसी हिसाब से टैक्स रेट पे करो। ठीक है, तो बेटा आपकी इनकम 5 कैटेगरी में फॉल करेगी। सैलरी से जो पर्टेन करता है वो सैलरी में जाएगा। अगर कोई मकान से, अगर कोई आपके पास लैंड है या कोई बिल्डिंग है, आपने उसको रेंट पे दिया हुआ, कोई इनकम आप अर्न करते हो, तो वो कहाँ जाएगा, इस हेड के अंदर जाएगा। आपके पास कोई बिजनेस है, आप बिजनेस करते हो, ठीक है, टर्नओवर हुआ, आपने अकाउंटेंसी में पढ़ा होगा टर्नओवर होता है, फिर हमारे कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करके हम एक नेट प्रॉफिट निकालते हैं लास्ट में। उस नेट प्रॉफिट के हिसाब से आप अपना टोटल इनकम डिराइव करो, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट ना आपको बोलता है कि जो भी आपके बुक्स में एक्सपेंसेस हैं कि मेरे अकॉर्डिंगली इसमें से कौन कौन से एक्सपेंसेस मैं आपको अलाउ करूंगा, कौन कौन से आपको मैं अलाउ नहीं करूंगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप अपना जो अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है ना, अकाउंटिंग प्रॉफिट को उठाते हो। ठीक है, उसमें जो भी एक्सपेंसेस अलाउड है इनकम टैक्स के अंदर या जो डिसअलाउड है इनकम टैक्स के अंदर, उसके अकॉर्डिंगली अपना प्रॉफिट निकाल के चलते हो, जिसको हम बोलते हैं टोटल इनकम। ठीक है, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ये वैसे आपको हेड्स का ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, फिर आता है कैपिटल गेन। बेटा जो कैपिटल गेन है ना, कैपिटल गेन कब निकलता है सर? देखो, कैपिटल गेन निकलता है जब आप कोई भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर करते हो। ठीक है, बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप लेट्स सपोज आपके पास एक बिल्डिंग थी। क्या थी? बिल्डिंग। आपने उसको खरीदा था 1 करोड़ में, आपने खरीदा 1 करोड़ में, अब आपने उसको बेच दिया, आपने बेच दिया 2 करोड़ में, आपकी इनकम कितनी हो गई? 1 करोड़। नेट कितना बच गया? 1 करोड़ नेट बच गया आपके पास। तो 1 करोड़ इज अ कैपिटल गेन, उसके ऊपर टैक्स से निकालना है। वो सब इस हेड के अंदर जो सेक्शंस हैं वो एक्सप्लेन करती हैं। ठीक है, तो जो भी इनकम आपकी जिस हेड के अंदर जाएंगी, उस हेड के अंदर उस इनकम को उस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, कैसे उसको कंप्यूट करना है, कैसे उसको टैक्स टोटल इनकम तक लेके जाना है, वो सब उस हेड के अंदर जो प्रोविजंस हैं उसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो हेड्स है ना बेटा, आपको लग रहे हैं सिर्फ 5, लेकिन ये बहुत बहुत ज़्यादा ही ब्रॉड है। इन हेड्स को पढ़ाने में कम से कम नहीं तो 20-25 लेक्चर लगते हैं बेटा, तो इतना आपसे एक्सपेक्टेड ही नहीं है एग्जामिनर को। ठीक है, आपसे ओवरव्यू समझ के चलिए। फिर ये आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कोई भी इनकम जो इन चारों में कवर नहीं होंगे ना, ठीक है बेटा, जो इन चारों में कवर नहीं होंगे ना, वो इसमें आ जाएंगे अदर सोर्सेज के अंदर। ठीक है, इतना काफी है आपके लिए हेड्स ऑफ इनकम समझने के लिए। उसमें कुछ बैलेंस है तो मैं दिखा देता हूँ। हाँ देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है,
सारे टैक्सेबल इनकम आपके फॉल करेंगे इन्हीं पांच के अंदर, ठीक है। और अगर कोई भी आपका इनकम फॉल नहीं करता है पहले चार में, वो फॉल कर जाएगा पांचवे में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, अगर कोई इनकम अगर पर्टिकुलर हेड में फॉल करता है वो दूसरे हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि हर एक हेड के अंदर उसके सेल्फ कंटेंट प्रोविजंस हैं, ठीक है। अगर आपने रॉन्ग हेड में ले गए, हो सकता है आप कुछ बेनिफिट लूज आउट कर दो जो बेनिफिट अवेलेबल हो उस इनकम के अगेंस्ट में, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन हेड्स ऑफ इनकम एंड सोर्सेज ऑफ इनकम, ठीक है, मैं आपको इसका डिफरेंस समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास इनकम जो इसमें हेड है एक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आपके पास हो सकता है दो हाउसेज हो जो आपने रेंट पे दे रखा हो, तो आपके दो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, क्या है, सोर्स ऑफ इनकम जो है दो है, बट वो टैक्सेबल किस में हो रहे हैं, एक हेड ऑफ इनकम के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं दैट कैन बी टैक्स अंडर वन हेड ऑफ इनकम, तो सोर्स ऑफ इनकम और हेड ऑफ इनकम से कंफ्यूज नहीं होने का बिल्कुल भी, ठीक है। ये हमारे होते हैं हेड ऑफ इनकम, पांच हेड्स ऑफ इनकम है, ये याद करना बेटा, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं एमसीक्यू में कि कितने हेड्स ऑफ इनकम है, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। तो यहां पे हमारा हेड्स ऑफ इनकम खत्म होता है, हम अब टोटल इनकम क्या होता है वो समझने जा रहे हैं, ठीक है। वैसे आपको ब्रॉड आइडिया यहीं से लग चुका होगा, आइए, ठीक है, टोटल इनकम में आपको दिखाता हूं कहां है। देखिए टोटल इनकम समझाने के लिए मैं आपको ये वाला चार्ट यूज करता हूं कि टोटल इनकम होता क्या है। देखिए बेटा ये वाला भी आप क्लॉज छोड़ दीजिए, ये वाला जब मैं रेजिडेंशियल स्टेटस कवर करूंगा तो मैं कवर करके चलूंगा। आप ये देखिए आपके पास जितने भी टोटल इनकम होगा, जितना भी आपने एक साल में कमाया है, जो भी आपने प्रीवियस ईयर में अर्न किया है, वो आपका क्लासीफाई होगा इन पांच हेड ऑफ इनकम के अंदर, करेक्ट, समझाया मैंने आपको, ठीक है। इसके बाद आपको जो भी इसके अंदर जो डिडक्शंस अलाउड है, जो एग्जेम्पशंस अलाउड है, वो आप अप्लाई कर दो, ठीक है, आप यहां तक पहुंच जाओगे। उसके बाद आपको क्लबिंग प्रोविजंस लगाने हैं, मैंने आपको अपने फर्स्ट प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि क्लबिंग प्रोविजन क्या होता है, जब हमारे हाथ में दूसरे बंदे की इनकम टैक्स होती है, वो कहां लिखा है, वो लिखा है क्लबिंग प्रोविजंस के अंदर। जैसे कि माइनर का इनकम है, कोई माइनर अगर कुछ मेहनत करके कमा रहा है या फिर अपने टैलेंट से कुछ कमा रहा है, तो उसकी इनकम गार्जियन के हैंड में टैक्स होती है, ठीक है। तो यहां तक तो आपकी इनकम हो गई, यहां तक कि क्लबिंग प्रोविजंस में आप दूसरे की इनकम के लिए भी टैक्स हो रहे हो, वो आपको यहाँ पे ऐड कर देना है इसमें, ठीक है बेटा, आप यहां तक पहुंच जाओगे। उसके बाद बेटा एक आता है सेट ऑफ, दूसरा होता है कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ, ठीक है, समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है इनकम टैक्स के अंदर। सेट ऑफ क्या बोलता है समझिए, मैं ब्रॉडली समझा रहा हूं आपको बिल्कुल, कि आपके पास दो बिजनेसेस थे, ठीक है, बिजनेस वन बिजनेस टू, आपको इसमें हो गया लॉस 1 लाख रुपए का, इसमें हो गया प्रॉफिट दूसरे बिजनेस में 2 लाख रुपए का। तो एक्ट क्या बोलता है ना बेटा, कि अपना जो लॉसेस है ना उसको सेट ऑफ कर दो इसको इसके साथ, तो जो नेट टोटल इनकम बची 1 लाख के ऊपर, उसके ऊपर मैं टैक्स पे कर दो, इसको बोलते हैं सेट ऑफ कर देना, सेट ऑफ। जो दूसरा है कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ, उसका मतलब क्या है बेटा, लेट्स सपोज आपके पास सिर्फ एक ही बिजनेस था, ठीक है, आपके पास एक ही बिजनेस था जिसमें आपको लॉस हो गया 1 लाख रुपीज का, ठीक है बेटा, आपको 1 लाख का जो लॉस हुआ ना, आपको 1 लाख का लॉस हुआ, अब लॉस के ऊपर तो हम टैक्स नहीं ले सकते हैं आपके से, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, इस लॉस को ना आप आगे लेके जाओ नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में, नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में लेके जाओ। अब लेट्स सपोज आपने नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में आपका इनकम निकल के आता है बिजनेस, इसी बिजनेस से B1 से ही 2 लाख रुपए का, तो हमारा एक्ट क्या बोलता है कि आपने पिछले साल में तो लॉस खाया था, आप इसको इससे सेट ऑफ करो, पहले इस तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड करो, आप इसको अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड करो और अगले साल में इनकम से सेट ऑफ कर दो, इसी का नाम है कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ, ठीक है। नेट इनकम कितना बचेगा 1 लाख, तो इस असेसमेंट ईयर में सिर्फ 1 लाख के ऊपर टैक्स पे करना है, तो जो पिछले साल आपको लॉस हुआ था उसका बेनिफिट आपको आगे के ईयर में मिल जाएगा,
ठीक है बेटा, यहाँ आपने वो सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ माइनस किया, आप यहाँ पर कुछ लेके पहुंचे। अब यहाँ ये जो इनकम आपके पास आई उसको बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मार्क कर लीजिए, एमसीक्यूज बन सकता है इसके ऊपर कि ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है जिसके ऊपर हम टैक्स पे करते हैं। नहीं, ग्रॉस टोटल इनकम होती है जब हम सारे पांचों हेड के इनकम को ऐड करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम कुछ क्लबिंग प्रोविजंस के इनकम को ऐड करते हैं, हम सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड को माइनस करते हैं, फिर जो हमारे हाथ में जो बचता है इनकम उसको बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। कैसे हमको इसके ऊपर टैक्स पे करना होता है? नहीं बेटा, अभी आपको कुछ माइनस भी करना है अभी, और तो इस ग्रॉस टोटल इनकम में से ना आपको कुछ डिडक्शंस अलाउ करे गई हैं। डिडक्शंस कौन सी हैं मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। ये देखिए, इधर आइए, ये यहां देखिए, ये डिडक्शंस आपको मैंने आपको बताया था कि कुछ एलिजिबल इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट बोलती है आप करो, इन्वेस्टमेंट करो, हम आपको डिडक्शन देते हैं, आप ये खर्चे करो, हम आपको डिडक्शन देते हैं, ठीक है। आप जो लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हो ना बेटा, जो आप लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हो ना, वो डिडक्शन मिलता है आपको। आप जो प्रोविडेंट फंड में डालते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, उसका डिडक्शन मिलता है। ये सिर्फ ना बेटा, ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं, ये बहुत डिटेल में लिखे हुए हैं, ठीक है, ये बहुत डिटेल में लिखे हुए। कहाँ लिखे हैं सर ये बेटा? ये लिखे हैं चैप्टर 6A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। आपके सिलेबस में नहीं है, मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, मैं आपको पूरा इनकम टैक्स एंड टू एंड समझा रहा हूं बेटा, ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का, इसमें से कुछ नहीं पूछेंगे आपसे। तो अगर आप कोई मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हो, ये भी कोई खर्चा करते हो, ये इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, खर्चा है, तो ये खर्चा भी आपको रिडक्शन अलाउ करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल आप यहाँ पे जो सेविंग अकाउंट में आपको जो इंटरेस्ट मिलता है ना, एक सेक्शन है हमारा 80TTA, ये बोलता है अगर किसी भी इंडिविजुअल का सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट 10,000 रुपए तक का है, उसको उसके लिए वो डिडक्शन है। डिडक्शन है मतलब बेटा क्या, पहले आप ये 10,000 रुपए कहाँ ऐड करोगे? अपने पांचों हेड में। पांचों हेड में कहाँ जाएगा सर? ये जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, ठीक है। आप 10,000 का इनकम आपने यहाँ पे 10,000 रुपए ऐड किया, आप उसको नीचे लेके गए, यहाँ तो 10,000 रुपए आपके इनकम में ऐड हुआ, यहाँ डिडक्शन मिलेगा 10,000 रुपए, यहाँ एग्जेम्प्ट करोगे तो आपका टोटल, यहाँ पे डिडक्ट करोगे, एग्जेम्प्ट नहीं, डिडक्ट करोगे, 10,000 रुपए डिडक्ट करोगे, यहाँ आपका टोटल इनकम निकल के आएगा, ठीक है बेटा। वो सारी डिडक्शन जो मैंने आपको यहाँ दिखाई, ये सारे अगर आप एक्सपेंडिचर करते हो, ये सारी इन्वेस्टमेंट्स करते हो, तो उसके बाद जो आपके पास हाथ में बचता है वो बचता है सर टोटल इनकम। तो क्या सर हमको इसके ऊपर टैक्स पे करना है? बिल्कुल बेटा, ये होता है टोटल इनकम की डेफिनेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको दोबारा उसी क्रक्स में ले चलता हूं बेटा, वो जो क्रक्स दिया है ना मैंने आपको, बस आपको उतना ही पढ़ना है, आपको बस वो एक पैराग्राफ ही पढ़ना है, आपके लिए सफिशियंट है। सर एक बार दोबारा पढ़ा दो तो। बिल्कुल बेटा, देखो अभी हम लेके चलते हैं आपको वहीं पे, हम आपको लेके चलते हैं उसी क्रक्स पे, ये हमारा क्रक्स है बेटा, ये याद रख लो बस, आपका फिशेंट है आपके लिए। देखो एवरी पर्सन, समझ में आ गया सर हमको, पर्सन आपने बताया था वो 7%, जिनकी टोटल इनकम, हाँ सर टोटल इनकम भी समझ में आ गया हमको, पांचों हेड को ऐड करके, फिर क्लबिंग प्रोविजंस लगा के, सेट ऑफ करके लॉसेस को, या फिर कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ करके, उसमें से फिर हमारा ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा, उसमें से हमको माइनस करना है अपनी डिडक्शंस जो चैप्टर 6A के अंदर लिखी हुई है, फिर हमारा टोटल इनकम निकल के आएगा, ठीक है। हर पर्सन की वो टोटल इनकम अगर वो एक्सीड करती है जो रेट्स मैंने आपको सभी एक्सप्लेन किए थे, वो SSC बोला जाएगा उस बंदे को, ठीक है। एंड उसको इनकम टैक्स पे करके चलना है एट रेट्स, और रेट्स मैंने आपको समझा दिए हैं बेटा फाइनेंस एक्ट में जो लिखा हुआ है, जो इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है, कब? इन द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। आई होप आपको अब लिंक पूरे डॉट्स कनेक्ट हो गए होंगे, जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा और जो हमने आज पूरा पढ़ा, पूरे डॉट्स एंड टू एंड मैंने आपको कनेक्ट करा दिए बेटा, ठीक है। अब जो छोटे छोटे 2-3 कॉन्सेप्ट हैं हमारे, वो हम नेक्स्ट सेशन में कवर करके चलेंगे। अगर आपको आज की वीडियो समझ में आई तो बेटा लाइक ज़रूर करना, कमेंट में बताना मेरे को आपको कैसा लगा, और आपको चाहते हो कि मैं कुछ टॉपिक को
और एक्सप्लेन करूं आप कमेंट में जरूर कमेंट करना। ठीक है, आज के लिए है इतना ही सिर्फ। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट सेशन में हम कुछ टॉपिक्स बचे हैं, हम वो कवर करके चलेंगे। और नेक्स्ट सेशन हमारा लास्ट सेशन होगा इनकम टैक्स एक्ट के ऊपर। ठीक है बेटा, कोई भी डाउट हो आप कमेंट्स करो। आप टेलीग्राम चैनल पे आपने हमको ज्वाइन करा होगा, वहाँ पे आप हमसे क्वेरी पूछो, हम आप आपको आंसर देंगे। ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ सफिशिएंट है। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा एक बार इसको रिपीट करके दोबारा सुनो बेटा एक बार। ठीक है, हो सकता है फर्स्ट टाइम अगर आप इसको समझने की कोशिश कर रहे हो तो थोड़ा सा आपके ऊपर से जा रहा हो, बट दोबारा समझना आपको जरूर समझ में आएगा। फिर नहीं भी समझ में आए तो आप हमको क्वेरी में पूछना। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, टाटा।